नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्निकल ईगल। तो कैसे हैं आप? आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट टेक न्यूज़ की। सबसे पहले टेक न्यूज़ की बात करेंगे नोकिया 3.4 की। जी हाँ दोस्तों, नोकिया 3.4 के कुछ स्पेसिफिकेशंस लीक्स हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोकिया 3.4 के कैमरे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके बैक साइड आपको ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें पहला कैमरा जो प्राइमरी कैमरा दिया है वो 13 मेगापिक्सल होगा। इसके साथ जो दूसरा कैमरा दिया है वो 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा होगा, और जो 5 मेगापिक्सल का एक कैमरा और दिया है वो डेप्थ कैमरा होगा। दोस्तों इस पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जिसमें आपको 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें दोस्तों इसके डिस्प्ले की, तो इस पर आपको 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा। इसके साथ आपको इसमें प्रोसेसर दिया है वो होगा 460 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको इसमें 3GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिलेगी। अब एक और खबर निकल कर आ रही है पबजी कॉरपोरेशन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, चीन में स्थित टेंसेंट कंपनी से इन्होंने अपना पूरा अधिग्रहण ले लिया है। जो भी ये काम धंधा दिए हुए थे टेंसेंट कंपनी को, अब उन्होंने सब वापस ले लिया है, अब ये खुद ही संभालेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले भारत में पबजी को बैन कर दिया गया है। इसको देखते हुए पबजी कॉरपोरेशन ने यह निर्णय लिया है कि टेंसेंट कंपनी जो उनका अधिग्रहण देखती थी भारत में और भी जो भी कुछ उनका कारोबार देखती थी, अब उन्होंने सब वापस ले लिया है। अब भारत में पबजी आने की उम्मीद बढ़ गई है। अगर पबजी भारत में आता है तो पबजी प्लेयरों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और बहुत खुशखबरी की बात हो जाएगी पबजी वालों के लिए। अब बात करते हैं तीसरी नई खबर रेडमी स्मार्ट बैंड की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्मार्ट बैंड के शौकीन हैं तो रेडमी का एक नया स्मार्ट बैंड बाजार में आया है, जिसकी कीमत है मात्र 1599 रुपये। इसको आप अमेजोन MI और MI की होम साइट से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। यह आपको 4 विभिन्न कलरों में मिलेगा। पहला होगा ऑरेंज, दूसरा होगा ब्लू, तीसरा होगा ग्रीन और चौथा होगा ब्लैक। जी हाँ दोस्तों, 4 कलर में आपको ये MI बैंड मिलेगा। इसकी जो खासियत है, इस पर आपको 1.08 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, OLED डिस्प्ले मिलेगा। इसका जो पहले MI 3 आया रहा बैंड आया रहा, उसका जो डिस्प्ले रहा वो इससे थोड़ा छोटा रहा। इसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा बड़ा डिस्प्ले कंपनी ने दिया है। ये जो Mi Band 4 है, इसकी खासियत है ये आपकी पल्स रेट को चेक कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी पल्स रेट चेक करने के साथ साथ आपका स्लीपिंग शेड्यूल भी सेट करेगा। अगर आप ज़्यादा सोते हैं तो ये आपको इंटीमेट करेगा और आपको बताएगा कि आपने कितने समय तक सोया है। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें कैलोरी और स्ट्रैप ट्रैकर नाम के 2 ऑप्शन भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसमें मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम अपनी आखिरी खबर की। जी हाँ दोस्तों, जो निकल कर आ रही है OnePlus 8T की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, OnePlus 8 का जो अपग्रेड वर्जन होगा वो होगा OnePlus 8T। पर जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो होगा 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले। इसके साथ जो पहले कंपनी ने आपको OnePlus 8 दिया था उसमें 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया गया था। इसके साथ ही अगर बात करें इसके रियर कैमरा सेटअप की, तो इस पर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के साथ आपको इसमें रियर साइड क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा 48 मेगापिक्सल का। इसके साथ आपको एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया होगा जो कि वाइड एंगल कैमरा होगा। इसके साथ आपको एक 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा दिया होगा और 2 मेगापिक्सल का आपको एक पोर्ट्रेट कैमरा दिया जाएगा। इसके साथ आपको फ्रंट सेल्फी के लिए इस पर आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाएगा। अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इस पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस SoC का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इस पर जो बैटरी दी गई है वो 5000 mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग के लिए 65W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा। कंपनी ने इसमें जो रैम दी है वो है 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज। इस पर आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं 256 या 512GB का कार्ड लगाकर। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। सारी बातों से था मैं पूरा सहमत, सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया, रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने